जमशेदपुर झारखंड राज्य के टाटानगर नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। जमशेदपुर को भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। राज्य के किसी अन्य शहर के मुकाबले जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री और कंपनियाँ मौजूद है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसे अनेक नामों से जाना जाता है। ग्रीन सिटी, स्टील सिटी, औद्योगिक राजधानी, टाटा नगर, मिनी मुंबई, जमशेदपुर। एक सर्वे के अनुसार जमशेदपुर शहर भारत का 13वां सबसे साफ शहर भी है। लगभग 224 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए जमशेदपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 13 लाख से ऊपर थी। आबादी के हिसाब से जमशेदपुर झारखंड का पहला और भारत का 36वां सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। जमशेदपुर जिला कुल 11 तहसीलों में बटा हुआ है। चकुलिया, डुमरिया, घाटशिला, बहरागोरा, बोरामी, धालभूमगढ़, गुरबंद, मूसाबनी, पतमदा, पोटका और जुगसलाई। धार्मिक दृष्टिकोण से जमशेदपुर शहर में 78.67% हिंदू, 14.95% मुस्लिम, 2.24% क्रिश्चन, 1.12% सिख अदा अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। जमशेदपुर शहर की साक्षरता दर 89.41% है। इससे ये पता चलता है कि जमशेदपुर शहर के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। जमशेदपुर शहर में कई ऐसी भाषाएं बोली जाती है जिनमें बंगाली, भोजपुरी, संथाली, ओड़िया, उर्दू और हिंदी है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों ने जमशेदपुर की नज़ाकत और संस्कृति को पूरी तरीके से कैद किया है, जैसे उड़ान, बनाना, दिल बेचारा, बबल गम, MS धोनी आदि कई अन्य फिल्में जमशेदपुर में शूट की गई है। जमशेदपुर रांची के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ का लोयला स्कूल, सेक्रेट हार्ट कन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। इसके अलावा राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर गर्ल्स कॉलेज, एक्सलरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करीम सिटी कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज, जनता पारिख कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यहाँ के अन्य शिक्षा संस्थान हैं। जमशेदपुर शहर का जुबली पार्क भारत के सबसे खूबसूरत बागों में से एक है। लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला जुबली पार्क झारखंड का सबसे बड़ा पार्क भी है। इस खूबसूरत पार्क का निर्माण टाटा स्टील कंपनी द्वारा सन 1998 में अपने 50 वर्ष पूरे करने के उपरांत बनवाया था। इतिहास के पन्ने बताता है कि जमशेदपुर किसी जमाने में साक्षी नाम का छोटा सा आदिवासी गांव हुआ करता था। सन 1907 में टाटा आयरन और टाटा स्टील कंपनी की स्थापना से साक्षी गांव से शहर में परिवर्तित हो गया। इसके बाद सन 1919 में इस शहर का नाम लॉर्ड थेम्स फोर्ज ने जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रख दिया, जिसे आज हम टाटा नगर जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। आवाहन के दृष्टिकोण से जमशेदपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग अर्थात दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, जमशेदपुर शहर में कुल 5 रेलवे स्टेशन मौजूद है। टाटा नगर जंक्शन, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन, घमरिया जंक्शन, गोविंदपुर रेलवे स्टेशन और कांद्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसमें से टाटा नगर जंक्शन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन पूर्वी सिंहभूम जिले का ही नहीं बल्कि झारखंड के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 6 है। धनबाद जंक्शन और रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद टाटा नगर झारखंड का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। ये रेलवे स्टेशन टाटा नगर बिलासपुर लाइन और हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर मौजूद है। राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, बिलासपुर पटना एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ टाटा नगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग द्वारा जमशेदपुर शहर का मानगो बस स्टैंड झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के कई अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप जमशेदपुर शहर तक पहुंच सकते हैं। जमशेदपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी जमशेदपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना जमशेदपुर शहर का भ्रमण अधूरा है।
दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। टाटा नगर से 10 किलोमीटर दूर 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। लगभग 193 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस स्थान पर आप विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को देख सकते हैं। साथ ही आप दलमा पहाड़ के ऊपर से जमशेदपुर शहर का खूबसूरत नज़ारे का भी आनंद ले सकते हैं। चांडिल डैम। स्वर्णरेखा नदी पर बना चांडिल डैम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। ये डैम झारखंड के प्रसिद्ध एवं सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत बांध में आसपास के नौका विहार एवं प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। अमादुबी वैलेज। जमशेदपुर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक अमादुबी वैलेज उन आदिवासी कलाकारों का घर है जो पारंपरिक पैटकर स्क्रॉल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। इस गाँव में लगभग 54 चित्रकार परिवारों का घर है। आप यहां गांव की रहन सहन सांस्कृतिक एवं आदिवासी नृत्य का आनंद ले सकते हैं। आमादुबी शहर के हलचल से दूर शांत सुरमय सुकून भरा स्थान है जो अपने मुख्य सांस्कृतिक कला के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कहीं अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें TNM हाईटेक सिटी सेंटर मॉल, भाटिया पार्क, JRD टाटा कॉम्प्लेक्स, जयंती सरोवर, टाटा पार्क, हुडको झील, दुमुहानी, बिजली घाटी झरना, सिक्कों का संग्रहालय, ट्राइबल कल्चर सेंटर, किनन स्टेडियम, रूसी मोदी सेंटर, रंकनी मंदिर, राम मंदिर, बिरला मंदिर, गोल पहाड़ी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, सूर्य मंदिर, साई मंदिर एवं जामा मस्जिद यहाँ की अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।